हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और भिंडी की सब्जी, क्योंकि भिंडी और आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी बहुत सारी वैरायटी बनाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू और भिंडी को मिक्स करके बनाया जाए। तो आज बनाएंगे आलू और भिंडी की बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी सब्जी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उसे कट कर लिया है अच्छे से धो के, और यहाँ लिए है 1/2 किलो भिंडी, इसे भी धो के कट कर लिया है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डाला है ऑयल, और साथ ही डाली है सौंफ। सौंफ का जो फ्लेवर है भिंडी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही डालेंगे 1 स्लाइस किया हुआ आनियन और 2 हरी मिर्च, और आनियन को हम सॉटे करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हमें बिल्कुल भी इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ट्रांसपेरेंट होगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो ये देखिए अनियन जो है हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और भिंडी जल्दी कुक हो जाती है। तो आलू को कुक करेंगे, आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका लिड लगा के 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। मतलब आलू को हमें 50% तक ऐसे ही पकाना है और 50% हम भिंडी के साथ पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने लिड लगा दिया है, 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो 5 मिनट के बाद देखिए आलू हमारे 50% तक कुक हो गए हैं। इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है, हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ये। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ी इजीली कट हो रहा है। बस अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी भिंडी थी, वो ऐड कर देंगे, और भिंडी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भिंडी है इस पे हमारी ऑयल की अच्छे से कोटिंग हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस। ये जो सब्जी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार जरूर बना के देखिएगा इस तरीके से। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और 1/2 चम्मच लिया है मैंने चिली फ्लेक, और 1.5 चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए, इससे कलर अच्छा आता है और तीखापन नहीं होता है, क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी इसके अंदर डाली है तो इसीलिए हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जस्ट फॉर कलर चेंज। हमें भिंडी का कलर जो है ग्रीन ही चाहिए, इसीलिए हम जो हल्दी है वो कम ही डालेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको खुला ही पकाएंगे। भिंडी डालने के बाद आप लिड से बिल्कुल भी इसको कुक मत करिएगा, नहीं तो जो भिंडी है ये अपने रेशे छोड़ देगी। तो बस इसी तरह कुक करते रहिए, बीच बीच में इसको चलाते रहिए ताकि जो हमारी भिंडी है ये अच्छे से कुक हो जाए। तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगेगा और आपकी भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर हमने अभी नमक नहीं डाला है, क्योंकि अगर आप नमक स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो भिंडी जो है अपने रेशे रिलीज कर देती है। इसी वजह से नमक जब आधी कुक हो जाएगी भिंडी, उसके बाद हम डालेंगे। तो हमारी भिंडी जो है आधी कुक हो गई है, और आलू भी देखिए कुक हो गए हैं अच्छे से, ईजिली कट हो रहे हैं ये। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और सॉल्ट डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और बस 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे इसी तरह। और साथ ही डाल देंगे 1 नींबू का रस, अगर आप चाहें तो डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आमचूर डाला है। तो रेडी है हमारी भिंडी की बहुत ही चटपटी सब्जी। आलू और भिंडी का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब लगता है, और देखिए कितनी खिली खिली हमारी भिंडी बनके तैयार हुई है। तो एक बार तो जरूर ट्राई करना बनता है। एक बार आलू चेक कर लेते हैं, देखिए आलू भी अच्छे से हमारे कुक हो गए हैं, बहुत इजीली ये कट हो रहे हैं। तो बस गैस का फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ, और रेडी है हमारी आलू और भिंडी की बहुत ही चटपटी और मसालेदार सब्जी। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है ये, इसको आप चपाती के साथ, राइस के साथ, परांठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खिली खिली भी बनी है, लग रही है ना बहुत ही लाजवाब। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।